सो नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर सागर अग्रावत। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी HEEM YouTube चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। तो आज का ये वीडियो है इंकोटर्म्स के ऊपर, जो ICC चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बनाई गई है। तो उनमें से एक इंकोटर्म्स का नाम है CPT, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरिज पेड टू। तो ये इनकोटर्म्स में अगर आपको काम करना है तो आपको काम कैसे करना है, ये इनकोटर्म्स में एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक होगी, इनको इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक होगी, ये सारी चीजों के बारे में हम आज के दिन पूरा प्रैक्टिकल वे में और डिटेल में जानेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो अगर आपको काम करना है सीपीटी में, तो अगर आपको सीपीटी में काम करना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर है एक एक्सपोर्टर और यहाँ पे है एक इंपोर्टर, और ये दोनों के बीच में अभी व्यापार होने जा रहा है। जो इनकोटर्म्स रखी गई है, इनकोटर्म्स जो फाइनल हुई है वो हुई है सीपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है कैरिज पेड टू। तो ये इनकोटर्म्स में सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बारे में। सबसे पहले कुछ ना कुछ ये दोनों के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, और यहाँ पे एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट कर रहा है मुंद्रा पोर्ट से, और इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है जेबेल अली पोर्ट पे जो है UAE में, राइट। तो यहाँ पे देखिए टर्म्स ऑफ डिलीवरी होती है वो नेगोशिएट होती है। अगर आप सीपीटी में काम करना चाहते हो, जैसे CNF में काम करना चाहते हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई होती है पहले से ही कि आपको सामने वाले के पोर्ट तक माल देना है। FOB में डिलीवरी हमें फाइनल की गई है कि हमें फ्री ऑन बोर्ड देना है, जैसे सीपीटी में ये नेगोशिएशन होता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले नेगोशिएशन हुआ है एक्सपोर्टर के और इम्पोर्टर के बीच में, आपको जो डिलीवरी देनी है वो सिर्फ डिलीवरी देनी है आपको जेबेल अली पोर्ट तक। यहाँ पे एक्सपोर्टर सबसे पहले अपने वेयरहाउस पे गुड्स माल को तैयार करेगा, और माल को तैयार करके अपने ट्रक में लोड करके वो कहीं ना कहीं अपने CFS या ICD पे लेके जाएगा, जहां पे कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर होती है। इन बिटवीन वो CHA को कॉन्टेक्ट करके अपना कंटेनर बुक करवा लेगा, और माल को ICD में लेके आके उसका लोडिंग करवा देगा कंटेनर में, ठीक है। और उसके साथ साथ में उसका कस्टम क्लियरेंस का भी प्रोसीजर कर देंगे वो लोग, कस्टम क्लियरेंस के साथ उसका डॉक्यूमेंट फाइलिंग भी होगा, डॉक्यूमेंट्स भी वो लोग फाइल कर देंगे। उसके बाद साथ में ये कंटेनर है उसको शिप में लोड कर देंगे, और वही कंटेनर चल के सामने जेबेल अली पोर्ट तक जब पहुंचेगा, इन बिटवीन जो सी फ्रेट लगेगा वो सी फ्रेट भी ये लोग पे कर देंगे, राइट। साथ में टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जो भी एक्सपेंस लगेगा जेबेल अली पोर्ट तक पहुंचने का, वो सारा एक्सपेंस है वो एक्सपोर्टर पे करेगा, और सामने के बाद इंपोर्टर जैसे अपना माल रिसीव करेगा उसका कस्टम क्लियरेंस करवाना, वेयरहाउस तक लेके जाना, ये सारे एक्सपेंस है। उसके बाद के जो तामझाम है वो सारा इंपोर्टर अपने आप देख लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सीपीटी में इनकोटर्म्स में ये जो डिलीवरी टर्म्स है वो नेगोशिएट करके हमने डिसाइड की थी कि सामने वाले के पोर्ट तक ही डिलीवरी देंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक है। अगर ये इनकोटर्म्स CIF होती तो यहाँ पे सामने वाले पोर्ट पे हम इंश्योरेंस के साथ सारी चीजें करके देंगे, पर इसमें नेगोशिएशन नहीं होता है। पर सीपीटी अगर आप करते हो तो इसमें डिलीवरी टर्म्स है वो नेगोशिएट हो जाती है, राइट। अगर आप CIP में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें सेम रहेगी, पर साथ में एक इंश्योरेंस यहाँ पे एड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे सीपीटी में अगर आप काम करते हो, कैरिज पेड टू में, इनकोटर्म्स में आप काम करना चाहते हो, तो इसमें माल का तैयार करना, ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, कस्टम क्लियरेंस करना, डॉक्यूमेंट फाइल करना, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस देना, और सामने वाले के पोर्ट तक उसको जाके सी फ्रेट भी प्रोवाइड कर देना, यहाँ तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एक्सपोर्टर की है। ये एग्जांपल पूरा आपके साथ लाइव और प्रैक्टिकल है। तो आई होप सो कि आपको पूरा वे में समझाया है मैंने, आपको समझ में भी आया होगा कि अगर आपको सीपीटी में काम करना है तो यहाँ पे जो डिलीवरी टर्म्स है वो नेगोशिएट होती है। कभी कभार इंपोर्टर बोलता है कि आप अपने पोर्ट तक दे दीजिए, तो आप अपने पोर्ट तक उसको सीपीटी दे दीजिए। अगर वो बोलेगा कि आप हमें सिर्फ यहाँ तक दे दीजिए तो वहां तक दे दीजिए। यहाँ पे डिलीवरी टर्म्स जो डिसाइड नहीं होती है, ये नेगोशिएट होती है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में डील होने से पहले, राइट। तो ऐसे काम होता है कुछ सीपीटी इनकोटर्म्स में, जिसका फुल फॉर्म है कैरिज पेड टू। ऐसे अलग अलग 11 इनकोटर्म्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में, हर एक इनकोटर्म्स के ऊपर हमारा वीडियो है।
आप देखना जरूर ना भूले, ताकि आपको पता चले इनकोटम्स में अगर आपको क्या करना है तो आप कैसे कर पाए। तो आई होप सो कि आज का ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।